द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पैरेलल टू वेक्टर ए, आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है जो ए के पैरेलल हो, ठीक। आपको वेक्टर वी का कंपोनेंट निकालना है जो ए के पैरेलल हो, तो वी डॉट ए कैप, ये तो आ जाएगा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन देने के लिए फिर से ए कैप से क्या करेंगे, सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी नहीं कहना चाहिए, सिंपली मल्टीफाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो बी डॉट ए कैप ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी अलोंग द वेक्टर ए, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन देने के लिए ए कैप से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा इनका पहले डॉट प्रोडक्ट करें, कितना आ जाएगा, तो वी इसको हम ऐसे ले सकते हैं, वी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखेंगे जरा क्या बनेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा सिक्स प्लस टू माइनस टू अपॉन ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट थ्री इंटू ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के और उसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट थ्री। तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, रूट थ्री इंटू थ्री थ्री हो जाएगा, थ्री से सिक्स कैंसिल करेंगे टू हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया टू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर, तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। वन हंड्रेड टू, रिजल्टेंट आर ऑफ वेक्टर्स पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी। फिर से वही आ गया कि पी और क्यू का रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर है, तो ये रहा आपका पी और ये बनेगा आपका क्यू, ठीक, पी है ये क्यू है और पी और क्यू का रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर है, ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं एंड आर इज इक्वल टू पी, अभी वेक्टर बना दिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, यहां पर इनका मैग्नीट्यूड लिखा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए यहां पे कि आर और पी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, वेक्टर कैसे बराबर हो सकते हैं जब इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी अगर ये एक्स मैग्नीट्यूड है तो ये भी मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका एक्स। पी और क्यू के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन, ये मान लिया एंगल थीटा है, तो अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आप सीधे कह सकते हो Q का जो साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो P के बराबर होगा, यानी Q साइन थीटा इज इक्वल टू P विच इज X, ओके। और Q का जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, इस Q का ये जो कॉस थीटा कंपोनेंट यहां जो होगा वो आपका रिजल्टेंट बन जाएगा, और रिजल्टेंट का खुद मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, X के बराबर। क्लियर, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा जो बनेगा वो आपका बन जाएगा वन, टेन थीटा वन है, इसका मतलब थीटा कितना हुआ 45। होल्ड ऑन, थीटा 45, लेकिन ये थीटा नहीं पूछा गया आपसे, पी और क्यू के बीच का एंगल पूरा ये पूछा गया, तो 45 प्लस 90 कितना हो जाएगा 135, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट।